राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र और अजीमाबाद भी रहा है। इसी प्राचीन पाटलिपुत्र के समय से यहाँ एक ऐसा प्राचीन और खास कुआं भी स्थित है जिसका रहस्य आज भी बरकरार है। सम्राट अशोक काल से ही स्थित इस चमत्कारी कुएं का धार्मिक और पुरातात्विक दोनों तरह से महत्व माना जाता है। हम बात कर रहे हैं पटना के अगमकुआं तुलसी मंडी इलाके में स्थित अगमकुआं की। यहाँ कुएं के साथ साथ शीतला माता का मंदिर भी स्थित है। ऐसी मान्यता है कि इस कुएं की खुदाई सम्राट अशोक के काल 273-232 ईस्वी पूर्व में की गई थी। इस कुएं की खासियत यह है कि भयंकर सूखा पड़ने पर भी कुआं सूखता नहीं है, वहीं दूसरी तरफ बाढ़ आने पर भी इसके जलस्तर में कोई वृद्धि नहीं होती। इस कुएं की एक और खासियत है कि कुएं का पानी 7 रंगों में बदलता रहता है। बताया जाता है कि इस कुएं के अंदर 9 और छोटे छोटे कुएं हैं, जिसमें एक तहखाने में सम्राट अशोक का खजाना रहता था। ये कुआं शीतला माता के मंदिर के प्रांगण में स्थित है। ऐसी मान्यताएं हैं कि पहले कुएं की पूजा की जाती है और फिर शीतला माता की। रोजाना यहां हजारों भक्त आते हैं और कुएं की पूजा करने के बाद शीतला माता की पूजा करते हैं। '1902-3 में ब्रिटिश खोजकर्ता लॉरेंस वाडेल ने उल्लेख किया है कि सबसे पहले 1932 में अंग्रेजी हुकूमत ने प्रयास किया था, लेकिन कई फीट पानी बाहर निकालने के बाद ही कुएं की गहराई का पता नहीं चल पाया। तीसरी बार दिसंबर 1995 में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पुरातत्व विभाग की मदद से कुएं के रहस्य को पता लगवाने की कोशिश की। जब उस कचरे की गहराई का पता लगाया गया तो वो 90 फीट मापी गई, जिसके बाद फिर पानी का स्रोत आना शुरू हो गया। फिर इस प्रक्रिया को यहीं रोक दिया गया। उसी दिन कुएं का जलस्तर सामान्य हो गया। इन तीनों प्रयास के बाद भी कुएं का रहस्य अभी तक पूरी तरह खुल नहीं पाया है। लाइव सिटीज के लिए पटना सिटी से प्रवीण कांत की रिपोर्ट।